हाईएस्ट स्ट्रेंथ जैसी सदस्य है जहाँ आपका बायोमेंटर इंटैक्ट बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी के चौथे चैप्टर का एक टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं गर्भ निरोध। तो देखिए क्या है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पहले देखते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन क्या होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। संबंधित स्पेसीज के समूह को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तो ये जनसंख्या का वृद्धि कैसे होता है, इसको कंट्रोल करने कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हीं सभी पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, बेटर लिविंग कंडीशन, प्रमोटेड एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनन स्वास्थ्य में सुधार और स्वास्थ्य सेवा में सुधार वगैरह, जीने का तौर तरीका जो है उसमें सुधार होने से जनसंख्या का क्या हुआ है, विस्फोटक वृद्धि हुआ, जिसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनन स्वास्थ्य में सुधार होने से और एज ए होल स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार होने से और जीने के तौर तरीके में बदलाव के कारण जनसंख्या क्या हुआ है, विस्फोटक रूप लिया। तो देखते हैं ये जो जनसंख्या इतना बढ़ता है, जनसंख्या विस्फोटक रूप ले रहा है, तो इसका कंट्रोल कैसे होगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस हेडिंग में देखते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। फॉलोइंग आर द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, निम्नलिखित मापदंड को अपना करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे देखते हैं प्रमोट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग कर्दा सर्किट, छोटी फैमिली को अपनाकर, कैसे अपनाया जाएगा, कंट्रासेप्टिव्स का उपयोग करके, यानी परिवार में सदस्यों की संख्या को कम रखकर, है ना, पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। दूसरा स्टेटली रेजिंग मैनेजेबल एज ऑफ मेल 24 इयर्स एंड ऑफ फीमेल 21 इयर्स। वैधानिक रूप से शादी की जो उम्र है पुरुष में उसको 24 साल कर देना, 24 साल के बाद शादी करना चाहिए और फीमेल में 21 साल के बाद शादी करना चाहिए। तीसरा एडॉप्टिंग वन और टू चाइल्ड नॉर्म लाइक वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, ये जो एक बच्चा या दो बच्चे वाला नारा है इसको अपना करके, ना, जैसे हम दो हमारे दो, यानी हम दो हमारे दो पेरेंट्स टू और उसके दो बच्चे। इन सभी विधियों को अपना करके, निम्न मापदंड को अपना करके जनसंख्या को कम किया जा सकता है ना। जैसे यहाँ पर शब्द आया कंट्रासेप्टिव्स, तो कंट्रासेप्टिव्स का उपयोग करके जनसंख्या को कम किया जा सकता है। तो उसी पहलू में एक हेडिंग है बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्शन। बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्शन क्या है, गर्भ निरोध इसको हिंदी में कहते हैं। बर्थ कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ मेडिसिन डिवाइसेज और सर्जरी टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल से यह अभिप्राय है कि जिसमें दवा युक्ति और सर्जरी का उपयोग करके प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। यह बर्थ कंट्रोल एक समझिए कि एक स्टडी है, एक फील्ड कह सकते हैं जिसमें दवा डिवाइसेज और सर्जरी का उपयोग करके प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। आगे देखते हैं क्या है अगला हेडिंग कंट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधक। दीज आर मेडिसिन और डिवाइसेज यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल टू चेक एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कंट्रासेप्टिव्स क्या है, गर्भ निरोधक,
गर्भ निरोध की प्रोसेस में उपयोग होने वाला दवाई मेडिसिन युक्ति है जो बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। या तो ये दवा हो सकता है या युक्ति हो सकता है। जैसे दवा में देखिएगा तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स वगैरह आता है, जैसे पिल्स वगैरह आता है, और युक्ति में डिवाइस वगैरह में देखते हैं कि कॉपर टी कॉन्डम वगैरह आता है। ये जो कॉपर टी कॉन्डम वगैरह है, ये सब क्या है? डिवाइस है, कंट्रासेप्टिव्स है ना। नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोध की विधियां, जो गर्भ निरोध करने का तरीका है ये किस किस तरह से किया जा सकता है। तो पहला हम लोग देखते हैं नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, प्राकृतिक विधि। दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवमेटिंग। यह मेथड जो है इस सिद्धांत पर काम करता है स्पर्म और ओवम को मिलने से बचाया जा सके, फिजिकली मिलने से बचाया जा सके। तो उसमें पहला दूसरा फिर कई प्रकार है देखते हैं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या देख होता है? इन दिस मेथड कपल अवॉइड फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम 10 टू 17 डेज, उसी को फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस विधि में युगल जो है, जोड़ी मेल और फीमेल जो है, संभोग करने की प्रक्रिया से 10वें और 17वें दिन में संभोग से बचेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें और 17वें दिन में संभोग करने से अगर बचेगा तो उसमें क्या होगा, कंट्रासेप्शन से बचा जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। क्योंकि 14वें दिन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है, तो दो दिन आगे दो दिन पीछे करके इसको 10 से 17वां दिन लिया गया है, इसमें अंडे के ओव्यूलेशन की चांस ज्यादा बना रहता है। यानी इसी समय अगर स्पर्म रिलीज हुआ फीमेल बॉडी पार्ट में और वो फर्टिलाइज होगा तो जायगोट का निर्माण होगा, प्रेगनेंसी भर सकता है। तो इस 10वें से 17वें दिन में अगर संभोग से बचा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, कंट्रासेप्शन से बचा जा सकता है, कंसीव होने से बचा जा सकता है। दूसरा है क्वाइटस इंट्रैक्टस। इन दिस मेथड मेल विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजाकुलेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। इस मेथड में क्या होता है, मेल जो है अपना पेनिस को फीमेल के वजाइना से जिवे स्पर्म रिलीज होने वाला है उससे जस्ट पहले निकाल के बाहर स्पर्म को रिलीज कर देगा, जिससे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।